अरे यार, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। आज ना मैं स्कूल नहीं गया यार, स्कूल जाता तो यार वहाँ पे मस्ती करता रहता। चलो एक काम करता हूँ, फ्रेंकिल भैया के साथ कहीं घूमने चले जाता हूँ। घर पे तो यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा यार, घर पे कुछ करने के लिए है ही नहीं यार। जंगल में चले जाता हूँ फ्रेंकिल भैया के साथ, वहाँ पे जाके मस्ती करूंगा, बहुत मजा आएगा यार। घर का पेंट देखो कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंकिल भैया ने पिछली बार बहुत खराब करवा दिया था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा कराया है। मेरे फ्रेंकिल भैया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, किधर हो फ्रेंकिल भैया, प्यारे भैया? अरे यार, फ्रेंकिल भैया की आवाज नहीं आई लग रहा है। आज फ्रेंकिल भैया ने चाय नहीं पी यार, वरना तो वो पूरे घर में चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। आज पक्का उन्होंने चाय नहीं पी होगी, जब ही उनके अंदर यार जोश नहीं भरा, वरना पूरे घर में हल्ला मचाते रहते हैं। कहां हो फ्रेंकिल भैया, चौप तू किधर है? अब भाई साहब चंचन, मेरे से तो तू बात ही मत कर। अरे ये चौप को क्या हो गया? चलो छोड़ो फ्रेंकिल भैया, किधर हो प्यारे भैया? अब यार इतना सारा उधार हो गया, कैसे चुकाऊंगा? अरे क्या हुआ फ्रेंकिल भैया? अब चंचन इससे 10 लाख ले रखे, अब इससे 35 लाख, इतना सारा कर्जा अब मैं कैसे चुकाऊं? अरे फ्रेंकिल भैया क्या हो गया यार, बताओ तो सही। अब चंचन मैंने जिन जिन से उधार ले रखा है ना, वो आज मैं देख रहा हूँ यार, कॉपी में बहुत सारा उधार ले रखा है सिंचन, मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो घूमने चलते हैं यार, सारा टेंशन वेंशन छोड़ दो। अबे यार सिंचन ये टेंशन छोड़ी नहीं जाएगी यार, बहुत सारा पैसा उधार है, मैं क्या करूं? जा तू मच से टीवी देख ऊपर जाके। अरे नहीं यार फ्रेंकिल भैया, घूमने चलो ना प्लीज, मेरा घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा यार। ऐसे फ्रेंकिल भैया कितना कर्जा हो रखा है तुम पे, ये तो बता दो मेरे को। अबे सिंचन पूरे 50 लाख रुपए का कर्जा हो रखा है यार, मैंने बहुत लोगों से ले लिया, मैं क्या करूं मेरे समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रेंकिल भैया छोड़ो ना उन सबको, चलो घूमने चलते हैं और सारी टेंशन को दूर करो फटाफट से। हाँ सिंचन तू सही कह रहा है यार, मैं कर भी क्या सकता हूँ, पैसे तो मेरे पास है नहीं जो मैं उनके पैसे चुका दूं। चलो ना फिर चलते हैं यार, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। हाँ चल सिंचन चलते हैं। और सिंचन तू ना चौप से बिल्कुल भी बात मत करियो, चौप ना आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में, उसकी ना स्वीटी से लड़ाई हो गई। अरे क्या उसकी स्वीटी से लड़ाई हो गई? बहुत बढ़िया, अच्छी बात हुई कि उसकी स्वीटी से लड़ाई हो गई, मजा ही आ गया, वरना तो यार डेली उसके घर चले जाता था। हाँ हाँ तू उससे बात मत करियो सिंचन, वरना तो तेरे काट लेगा तेरे पैर में। अरे ऐसी बात है क्या, फ्रेंकिल भैया उसे देखना परेशान करूंगा। चौप ये रहा, अब भाई साहब कल वे चले जा वरना तेरे मुंह पे काट लूंगा। अरे चौप यार क्यों कितना गंदा लग रहा, अब भाई साहब चले जा सिंचन, बताऊं तेरे को। अब सिंचन उसे छेड़े मत सिंचन, बहुत ही गुस्से में आज तो चौप। हाँ फ्रेंकिल भैया छोड़ो उसको यार, हम थोड़ा घूमने चलते हैं मजे से। अब सिंचन देखियो कितनी खटारा बाइक हो गई, इस पे तो कितनी धूल लगी हुई है। अरे छोड़ो ना फ्रेंकिल भैया चलते हैं यार, पहले तो हमारे पास स्कूटर था, ये स्कूटर से तो अच्छी बाइक है ना। हाँ ये भी है, ये ले सिंचन हेलमेट लगा लिया मैंने, एकदम अपनी सेफ्टी से चलेंगे, कोई हमारा एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा। हाँ हाँ फ्रेंकिल भैया यार मैं क्या कह रहा था, मेरी जो रिमोट कंट्रोल कार है वो कहाँ यार, आज घर में मिली नहीं, मैं ढूंढ रहा था खेलने के लिए। अब सिंचन वो ना मैंने, अरे बोलो बोलो क्या हुआ सिंचन? वो ना मैंने बेच दी थी यार सुबह कवाड़ी वाले को। अरे क्या, मेरी फेवरेट रिमोट कंट्रोल कार तुमने बेच दी? अब सिंचन क्या कर सकते थे, पैसे नहीं थे दूध लाने को, तो मैंने तेरी रिमोट कंट्रोल कार ही बेच दी। अरे फ्रेंकिल भैया यार ऐसा क्यों करा यार, तुम तो बहुत ही गंदे हो यार। अब सिंचन अब मैं तेरे को नई दिला दूंगा ना। अरे कहां से दिलाओगे यार, तुम्हारे ऊपर 50 लाख का कर्जा यार, उसे चुकाओगे या मेरी रिमोट कंट्रोल कार दिलाओगे? कोई बात नहीं सिंचन, मैं अपनी बाइक बेच दूंगा, बस तेरी रिमोट कंट्रोल कार दिलाई दूंगा। अरे यार जब भी मेरे पूरे दिन घर में मन नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, अब जंगल में घूमने चल लेना, वहाँ पे मेरा बहुत ही मन लगेगा। फ्रेंकिल भैया मैं पहले ही बता दूं यार, जब रात होगी ना जब भी घर चलना, वरना तुम जंगल में पहुंचते ही बोलोगे कि चल घर चल घर चल। अब ठीक है सिंचन, रात में चलेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंकिल भैया, बाइक रुको एक बार। अब क्या हो गया सिंचन? अरे रुको तो सही यार, मेरे को टॉयलेट लग रही है बहुत तेज। अब तेरा अलग ही है सिंचन, घर से ही करके आया करना। अरे नहीं नहीं फ्रेंकिल भैया रुको यार, बहुत तेज आ रही है, वरना बाइक में ही कर दूंगा। अरे गाइस ये सिंचन ने तो दिमाग खराब कर रखा है, रुक जाए अच्छी सी जगह पे रुकूंगा। सिंचन वैसे मेरे को यहाँ डर भी लग रहा है यार, देखियो एकदम सुनसान रास्ता और दोपहर ही, वैसे यूरिया भूत तो नहीं मिलेगा ना हमको। अरे ये सामने क्या है फ्रेंकिल भैया? अब ये तो हिरन था, चल चले गया, चल कहाँ यही रोक दू क्या? हाँ फ्रेंकिल भैया रुको रुको यार, बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। हाँ सिंचन मेरे को भी आ रही है, चल मैं भी फ्रेश हो ही जाऊंगा। हाँ हाँ यार मजा आएगा यहाँ पे टॉयलेट करने में, तो यार गद्दे पे करता हूँ तो यार पता ही नहीं लगता, यहाँ पे करूंगा तो पता तो लगेगा कम से कम। सिंचन तूने आज भी गद्दे पे करी थी क्या? अरे नहीं 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 करी थी मैंने। अरे बहुत सालों बाद मेरे अड्डे पे दो लोग आए हैं, इनको आसानी से जाने नहीं दूंगा। देखू ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे लग रहा है ये वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं, देखू तो कैसे कर रहे हैं। चलो छोड़ो वो सब नहीं, इनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ। टॉमी हमारे अड्डे पे आखिरकार लोग आ गए। टॉमी कोई टेंशन नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं इंसान के रूप में दोबारा आऊंगा। टॉमी आजा टॉमी मेरे साथ चल, चल टॉमी इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, अगर इन्होंने मेरे से बातें कर ली तो मैं इंसान के रूप में आ जाऊंगा, मेरा शराब खत्म हो जाएगा। जब भी कोई इस अड्डे पे आता है तो वो मेरे से बातें नहीं करता, मेरे से डर के भग जाता है। देखता हूँ ये लोग मेरे से बातें करेंगे या नहीं करेंगे। वो रहे वो कर रहे टॉयलेट मजे से। ए बच्चे हो मेरी तरफ देखो, अभी लगता है इनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। वाह इनकी बाइक कितनी अच्छी लग रही है। ए बच्चे हो मेरी तरफ देखो तो सही, बड़ी देर तक कर रहे हैं टॉयलेट। सिंचन पीछे देख, मेरे को ऐसा लग रहा है हमारे पीछे कुछ काला काला है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे फ्रेंकिल भैया देखो क्या मुड़के, अरे फ्रेंकिल भैया ये तो कोई बंदर लग रहा है मेरे को। अब सिंचन ये कैसा बंदर है? हेलो बच्चे हो मेरे से बातें करोगे? अरे फ्रेंकिल भैया यार ये कौन है फ्रेंकिल भैया, ये तो बोलता भी है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। फ्रेंकिल भैया यार अभी अभी टॉयलेट करिए, मेरे को ऐसा लग रहा है फिर
से पेंट में टॉयलेट निकल जाएगी। अरे बच्चों मेरे से डरो मत बच्चों, मैं बहुत ही अच्छा बंदर हूँ, एक साल से किसी ने बात नहीं करी, अगर आप मेरे से बातें कर लोगे तो मैं इंसान के रूप में आ जाऊंगा। अबे सिंचन ये क्या बोल रहा है, इससे बातें करके देखो क्या? हाँ फ्रैंकल भैया देखो, बातें करके देखो। हेलो बंदर भाई, मेरे को पहचानते हो? अरे नहीं भैया तुम्हें पहचानते तो नहीं, लेकिन भैया अब मैं इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अरे भाई क्या कह रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंचन क्या है ये, पागल तो नहीं है? अरे फ्रैंकल भैया मेरे को भी ये अजीब सा बंदर लग रहा है। फ्रैंकल भैया कहीं ये भूत तो नहीं यार, यहाँ से चलो कहीं ये हमें पकड़ के खा ले। अरे नहीं मैं पकड़ के नहीं खाऊंगा बेटा तुम्हें, तुमने मुझसे बातें करी, अब मैं अपने इंसान के रूप में आ जाऊंगा। मेरे को शराब मिला था, मेरे को शराब में किसी ने भालू बना दिया, उसके बाद उसने बोला जो भी मुझसे बातें करेगा इंसान तब मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। अरे फ्रैंकल भैया ये क्या हो रहा है? अरे गाइस वो बंदर तो इंसान के अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंचन ये कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं इंसान के रूप में आ गया, देख टॉमी मैं इंसान बन गया आखिरकार, इन भले इंसानों की वजह से इन्होंने मेरे से बातें करी, अब बेटा मैं तुम्हारी तीन इच्छा पूरी करूंगा। अरे भाई तू क्या कह रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कोई जादू ही बाबा है क्या? नहीं मैं बाबा नहीं बेटा, मेरे को एक बाबा ने शराब दिया था और मेरे को बंदर बना दिया, उसने बोला जब भी कोई तुमसे इंसान बातें करेगा तो तुम जब अपने इंसान के रूप में आओगे और उस इंसान की तुम तीन विश पूरी करोगे, मांगो बेटा तुम क्या मांगोगे वो विश पूरी हो जाएगी तुम्हारी। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ सोफा ला दे, सोफा ले बेटा, सोफा बेड सब ला दे, जिस मर्जी पे बैठ जा। गाइस यार मेरे को तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, गाइस देखो हकीकत में सोफा और बेड आ गया। हाँ बेटा मांगो तुम अपनी दो विश और मांग सकते हो मुझसे। अरे सिंचन अभी हमारे पास दो विश और है, सिंचन मांगो क्या इससे? अरे हाँ फ्रैंकल भैया मांगो यार, बहुत अच्छी अच्छी विश मांगो। यार मैंने तो फ्रैंकल भैया अपनी एक विश खराब कर दी यार, ये घटिया चीज मांग के, बेड और सोफा तो हमारे घर पे ऑलरेडी हैगा यार। अरे सिंचन तू मेरे को देख, मैं एक तगड़ी चीज मांगता हूँ। ए भाई मेरे को ना एक ऐसी विश दे दे, मतलब मैं जिस चीज को भी छूना वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा भैया ऐसी विश चाहिए, ठीक है भैया तुम जो भी चीज छूओगे भैया वो चीज गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जाओ भैया तुमको मैंने वरदान दे दिया। अरे वाह सिंचन मेरे को तो बहुत खुश हो रही है, मांगो भैया तीसरी विश और मांगो फटाफट से जल्दी जल्दी। गाइस मैं तीसरी विश ना आप लोगों के लिए मांग लेता हूँ। ए भाई ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे ना, इनका जो भी ड्रीम है ना, जो भी सपना है वो पूरा हो जाए, ठीक है भैया पूरा हो जाएगा, पहले इन लोगों को इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस आप लोग ना फटाफट से अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइस आपका भी सपना पूरा हो जाए। और गाइस अपना सपना ना जरूर से गाइस कमेंट में लिख देना, ताकि गाइस आपका सपना पूरा हो जाए, ठीक है भैया। तुम्हारी तीनों विश मैंने पूरी कर दी भैया, अब मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अब बेटा मेरे को जाना ही पड़ेगा बेटा, चलो मैं जाता हूँ अपने देश, बेटा मैं इस देश का नहीं हूँ, मैं दूसरे देश कर से आया हूँ। अरे हाँ फ्रैंकल भैया इसकी शक्ल से मेरे को लगता है ये दूसरे देश से है, ये ना अजीब सा है यार। फ्रैंकल भैया ये तो गायब हो गया यार, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है यार, अब हमारे साथ क्या होगा? अब सिंचन कुछ नहीं होगा, अब मैं चीज को टच करके देखता हूँ, इस बेड को टच करके देखू क्या ये गोल्ड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। देखो देखो फ्रैंकल भैया छू के देखो, क्या पता बेड हमारा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब सिंचन होगा ना जब उसने बोला है तो। अरे वाह फ्रैंकल भैया वो बेड तो यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, गाइस देखो कितना सारा गोल्ड आ गया। सिंचन मेरे को तो अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं फ्रैंकल भैया तुम कोई भी सपना नहीं देख रहे, गाइस यार ये सोफा भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। गाइस आप लोग भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइस आपका भी सपना पूरा हो जाए। और गाइस अपना सपना ना कमेंट में जरूर लिखना, हाँ गाइस जरूर लिखना। फ्रैंकल भैया अच्छा हुआ मैं आपको जंगल में लेके आ गया, वरना तो यार हम घर पे वही घिसी पिटी जिंदगी जीते। हाँ सिंचन अब ना मेरा 50 लाख का जो कर्जा है ना वो भी उतर जाएगा यार, मैं तो काफी टेंशन में था, इतना सारा पैसा आखिरकार मैं लाऊंगा कहाँ से। चलो फ्रैंकल भैया अब चलते हैं। तो गाइस यार अभी मैंने जितना भी गोल्ड था ना अपने बैग के अंदर भर लिया है और अपने ब्रीफकेस के अंदर भी डाल लिया है। फ्रैंकल भैया अब कहाँ जाएंगे? सिंचन मेरे को ना एक बहुत महंगी गाड़ी लेनी थी, शुरू से मेरा सपना था, आज उसे लेने के लिए चलते हैं, ये खटारा बाइक से छुटकारा मिल जाएगा। अरे फ्रैंकल भैया देखो देखो यार ये बाइक तो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अरे हाँ सिंचन यार ये बाइक भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई, मतलब सिंचन जब हम इस बाइक को बेचेंगे ना तो हमारे पास बहुत ही पैसा आ जाएगा, क्योंकि यार गोल्ड ना बहुत ही महंगा हो चुका है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया चलो चलो जल्दी से बहनी की दुकान पे चलते हैं और आपकी फेवरेट बाइक लेके आ जाते हैं फटाफट से। अब सिंचन बाइक नहीं मैं गाड़ी लूंगा, बहुत बड़ी गाड़ी है सिंचन, उसके अंदर ना बूस्टर भी है काफी बड़ा, वाह वाह फिर तो बहुत ही मजा आएगा फ्रैंकल भैया उसे चलाने में। अब तू थोड़ा ना चलाएगा, मैं चलाऊंगा। हाँ हाँ तुम चलाना, मैं उसके पीछे बैठूंगा मजे से। तो गाइस अभी मैं और सिंचन बहनी की दुकान पे पहुंचने वाले हैं। अरे लो फ्रैंकल भैया पहुंच गए अपने बहनी की दुकान पे। फ्रैंकल भैया मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार देखने के लिए तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है जिसे तुम लेना चाहते हो। आजा सिंचन तेरे को भी दिखाता हूँ वो फेवरेट कार। सिंचन मैं क्या सोच रहा था ना, जैसे हम उस कार के अंदर बैठेंगे ना वो कार भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अरे वाह फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। गाइस कितनी मस्त मस्त कार है यहाँ पे। अरे हाँ भैया बोलो बोलो क्या लेने आयो यहाँ पे? मेरे को भैया तुम्हारी हालत देख के लग रहा है तुम हमारी कोई गाड़ी खरीद नहीं पाओगे, निकल जाओ मेरी दुकान के अंदर से। अबे ज्यादा ही बोल रहा है बहनी तू तो, रुक जा अभी मैं चूज कर लूँ अपनी फेवरेट कार। ये खड़ी गाइस ब्लैक कलर की क्या लग रही है फ्रैंकल भैया, ये क्या तुम्हारी फेवरेट कार? हाँ सिंचन जिस कार को मैं लेना चाहता था वो मेरी फेवरेट कार ये गाइस, इसके पीछे ना काफी बड़ा बूस्टर है जिससे गाइस हम इस गाड़ी को बहुत तेज भगा सकते हैं। अब गाइस मैं जल्दी से सारा गोल्ड बैनी के मुंह पे फेंक के मारता हूँ और उसके बाद ये गाड़ी खरीद लेता हूँ। हाँ फ्रैंकल भैया खरीद लो यार, तुमसे अभी ज्यादा ही बोल
बोला था फालतू, तुम नहीं ले पाओगे मेरी गाड़ी, निकल जाओ मेरी शॉप के अंदर से। अबे तुझे पता भी है जो मेरा बैग है ना, इसके अंदर बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है, तेरे मुंह पे अभी फेंकता हूँ और ये गाड़ी लेके जाता हूँ। अरे तुझे रेट नहीं पता इस गाड़ी का, ये पूरी 60 करोड़ की है। अरे क्या 60 करोड़ की, मेरे पास 60 करोड़ से भी ज्यादा महंगा गोल्ड है, तेरे मुंह पे फेंकता हूँ। फाइनली गाइज आखिरकार मैंने वो वाली कार खरीद ली और गाइज मैंने बैनी को वो अपना बैग दे दिया जो गोल्ड से भरा हुआ था ना। आज सिंचन जल्दी से इस गाड़ी में बैठ, देखते हैं ये गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होती है या नहीं होती। अरे फ्रेंकल भाई जरूर होगी यार, हमको वरदान जो मिला है। और गाइज देखो ये गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट होकर क्या ही लग रही है। अरे ये कैसे करा तुमने, मेरे को भी बता दो भैया ये कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करा। अरे जाना बैनी तेरे को बताऊंगा नहीं। गाइज जैसे मैं इसकी दुकान पे घुसा था ना, एकदम से मेरे से बोला था निकल जा तू ले नहीं पाएगा गाड़ी। अब फ्रेंकल भैया हमने इसको दिखा दिया गाड़ी खरीद के भी और गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करके भी। सिंचन अब हम ना फटाफट से एयरपोर्ट पे चलते हैं और वहां पे जाके अपनी गाड़ी की ना स्पीड टेस्ट करेंगे, ये गाड़ी बहुत ही तेज भगती है। फाइनली सिंचन हम आखिरकार एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। सिंचन मेरी तो पूरी कमर ही दर्द हो गई यार गाड़ी ड्राइव करते करते। फ्रेंकल भैया मेरी भी कमर दुख गई यार बैठे बैठे। अब देख सिंचन मैं गाड़ी को कैसे भगाता हूं। ये ले सिंचन। अरे वाह फ्रेंकल भैया कितनी तेज भागती है हमारी गाड़ी। सिंचन अब ये पूरी खुली रोड है एयरपोर्ट की, अब देख कैसे भगाता हूं मैं। और ये मैंने बूस्टर का बटन दबा दिया, गाइस कितनी तेज भगी गाड़ी। वाह वाह फ्रेंकल भैया एक नंबर यार, ये गाड़ी ना फ्रेंकल भैया 500 तक की स्पीड पे पहुंच गई थी। हां सिंचन अभी देखियो कितनी तेज भगाता हूं ये 200 की स्पीड। अरे गाइस अभी स्लो हो चुकी है अपनी गाड़ी, कोई नहीं गाइस अभी मैं बहुत तेज भगाऊंगा, 500 टच कर दूंगा फिर से। ये देख सिंचन होने वाली है। वाह फ्रेंकल भैया 500 टच हो गई यार अपनी गाड़ी की स्पीड, यार बहुत तेज भगी गाड़ी तो। मजा ही आ गया सिंचन यार भगा के इस गाड़ी का तो। वाह फ्रेंकल भैया एक नंबर, फ्रेंकल भैया ओपी, फ्रेंकल भैया ओपी। अरे अरे गाइस गिर गया इसमें से। अरे गाइस मैंने ना अभी एक बटन दबा दिया और एकदम से दरवाजा खुल गया और मैं नीचे गिर गया। अरे फ्रेंकल भैया देख के करा करो ना। अरे सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी ना हम एयरपोर्ट पे आ रखे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेन है ना उनको गोल्ड में कन्वर्ट करके देखे क्या, उनको टच करके। हाँ फ्रेंकल भैया देखो यार उनको जैसे ही तुम टच करोगे क्या पता यार यहाँ के प्लेन गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। हाँ गाइस यार देखते हैं यार, क्या पता वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया ना तो गाइस हमारे पास बहुत ही सारा गोल्ड आ जाएगा। सिंचन जल्दी बैठ जा गाड़ी के अंदर, चलो फ्रेंकल भैया भगाओ अपनी गाड़ी को भगाओ। वाह यार बहुत तेज भगाते हो सिंचन। ये खड़ा अपना बहुत बड़ा प्लेन, आ जाए इसको फटाफट से यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा। फ्रेंकल भैया बहुत मजा नहीं, हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे अगर गोल्ड में कन्वर्ट हो गया ये प्लेन तो। चल फिर सिंचन किस बात की देरी, फटाफट से मैं टच ही कर देता हूँ। फ्रेंकल भैया फिर तो बहुत सारी गाड़ी खरीदेंगे यार रिमोट कंट्रोल। हाँ हाँ सिंचन एकदम पूरा घर ही भर दूंगा रिमोट कंट्रोल कार से, तो क्यों टेंशन लेता है, और तेरे लिए बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। चलो गाइस टाइम आ गया इस प्लेन को टच करने का। ये मैंने इसे टच करा और गाइस वो प्लेन कहाँ चले गया और यहाँ पे इतना सारा गोल्ड कैसे आ गया। अरे फ्रेंकल भैया यार मस्त वरदान मिला है तुमको तो यार, कितना सारा गोल्ड आ गया। गाइस यार सच्ची में मेरे को बिलीव नहीं हो रहा मेरे अंदर इतनी सारी पावर आ गई। देखो देखो गाइस कितना सारा गोल्ड है। अब गाइस मैं ना जल्दी से ट्रक मंगवाता हूँ और उसमें ये सारा गोल्ड एकदम से लोड करवा के और इनको पैसे में कन्वर्ट करवा दूंगा। चल सिंचन भाई अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अरे यार आज तो मैं बहुत ही लेट हो गया जॉब पे जाने के लिए सिंचन की वजह से। सिंचन बहुत ही जिद कर रहा था रिमोट कंट्रोल कार दिलाओ दिलाओ दिलाओ, लेकिन यार मेरा भी बहुत मन करता है उसे रिमोट कंट्रोल कार दिलाने का, लेकिन मैं कहाँ से दिलाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अभी तो सिंचन स्कूल गया हुआ है, जॉब में जा रहा हूँ भाई जॉब पे, तो भाई ध्यान रखियो घर का। अब भाई साहब कल भी चले जा, भाई चले जा, पैडल भी नहीं खिलाई आज तो तूने। अरे एक सेकंड ये कौन बंदा है जो मेरे घर के बाहर खड़ा है। अरे सीट में क्या करूं, आज की मीटिंग में जाना तो मेरा बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये गाड़ी को अभी खराब होना था क्या, अब मैं अपनी मीटिंग में कैसे जाऊं। अरे अंकल आपको क्या हो गया, आपकी गाड़ी को मैं सही कर सकता हूँ, मैंने ना ये काम कर रखा है। अरे बच्चे प्लीज मेरी गाड़ी को सही कर दे बच्चे, मेरा मीटिंग में जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपकी गाड़ी में क्या खराबी आई होगी। बेटा मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं खुद ही ठीक कर लेता। मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी, रुको मैं चेक करता हूँ। अरे यार इसका तो ये टायर टूटा हुआ है, रुक जाओ मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ बेटा तू इस तार को सही कर दे बस, मेरी गाड़ी को चला दे तू। तो गाइस अभी मैंने वो तार तो जोड़ दिया है। अंकल आपकी गाड़ी एक बार मैं स्टार्ट करके देख सकता हूँ क्या। हाँ बेटा स्टार्ट करके देख, अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और चलने लग गई तो मैं तेरा जिंदगी भर एहसान मांगूंगा। बस यार एक बार गाड़ी ये स्टार्ट हो जाए। ये लो स्टार्ट तो हो गई और चल जा, बस चल गई। यस गाइस आखिरकार मैंने इस गाड़ी को ठीक कर ही दिया। अरे वाह बेटा वाह, तूने मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, मांग बेटा मांग, तू कितने रुपए मांगेगा मेरे से। अरे आप मेरे को पैसे मत दो, बस मेरे को एक रिमोट कंट्रोल कार दिलवा दो। अरे पर बेटा ये कोई तेरी उम्र है रिमोट कंट्रोल कार से खेलने की। अरे नहीं नहीं मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, मेरा ना एक छोटा भाई है उसका नाम ना सिंचन है, मेरे को उसके लिए चाहिए। बस आप यहाँ पे 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा जल्दी कर मेरे को मीटिंग में भी जाना है, बस आप 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। अब मैं ना जॉब पे नहीं जा रहा, जल्दी से कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद सिंचन के लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदूंगा, सिंचन तो बहुत ही खुश हो जाएगा। फाइनली गाइस अभी मैं रेडी तो हो चुका हूँ, मैंने अपने जॉब वाले कपड़े उतार दिए। अब जैसे ही सिंचन घर पे आएगा ना मैं उसे एकदम सरप्राइज दूंगा, रिमोट कंट्रोल कार दिखाऊंगा ना तो वो तो एकदम नाच उठेगा सिंचन। और भाई भैया कहाँ हो आप, ये मेरे को छोड़ के तो नहीं गए। चल बेटा चल मैं जल्दी से तेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिला देता हूँ। अरे हाँ चलो आप अपनी गाड़ी से चलो, मैं अपनी साइकिल से चलता हूँ। अरे साइकिल से मत चल बेटा, मेरी गाड़ी से चल, तू भी मेरी गाड़ी से चल। चलो भाई मजा आएगा, मैंने बहुत दिन हो गए यार मैंने गाड़ी नहीं चलाई, चलो आपकी गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ बेटा
तू मेरी गाड़ी को ड्राइव कर, और जिससे हम रिमोट कंट्रोल कार लेने जाएंगे ना, वो मेरा खुद का दोस्त है, वो हमको सस्ते में रिमोट कंट्रोल कार दे देगा। बस यार आप मेरे को ना एक बढ़िया से रिमोट कंट्रोल कार दिलवा देना, जिससे सिंचन बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन ये सिंचन है कौन? अरे सिंचन ना मेरा छोटा भाई है, अभी वो ना यार पढ़ने के लिए गया स्कूल पे, बहुत अच्छी बात है, उसे ऐसे ही पढ़ाते रहो। हाँ मैं उसे पढ़ाता हूँ, वो हमेशा स्कूल जाता है और स्कूल का होमवर्क भी करता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे वो स्कूल से आएगा ना, उसे सरप्राइज दे देना रिमोट कंट्रोल कार दिखा के। और तुम क्या काम करते हो, तुमने अपने बारे में नहीं बताया। अरे मैं अभी ना अपनी जॉब पे जा रहा था, मैं ना डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। अच्छा करते हो, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। तो गाइस बस हम अभी पहुंचने वाले हैं, अंकल कितनी दूर रह गया? बस बेटा लेफ्ट ले ले, देख बेटा वो जो दिख रही है वही बेटा मेरे दोस्त की दुकान है, यहाँ से तू रिमोट कंट्रोल कार खरीद सकता है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत ही सारी रिमोट कंट्रोल कार है, अगर मैं यहाँ पे सिंचन को लाता ना, सिंचन तो बहुत ही खुश हो जाता। अरे वाह मेरे दोस्त आ गया, तू मेरे दोस्त कैसा है तू? अरे हाँ मैं तो बहुत टूकू, इसे रिमोट कंट्रोल कार दिखा दे। अरे सिट यार, मैंने तो इसकी कार गिरा दी। कोई बात नहीं, तू मेरे दोस्त का दोस्त है, इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। देख ले बेटा जौन सी कार चाहिए तुझे, मैं भी वो तेरे को सस्ते में लगा दूंगा। और हाँ पैसे मैं दूंगा। अरे पर दोस्त इस ये पैसे क्यों नहीं देगा? अरे इसने मेरा बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए पैसे मैं दूंगा। बस तू इसे रिमोट कंट्रोल कार दिखा दे, जौन सी रिमोट कंट्रोल कार लेना चाहे तू इसे दे दियो। और हाँ सुन फ्रैंकल, मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को बहुत जरूरी मीटिंग है। और हाँ मेरे दोस्त इसे अपनी गाड़ी भी दे दियो। अरे हाँ मैं इसे अपनी गाड़ी भी दे दूंगा, जिससे ये घर चले जाएगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, अपनी मीटिंग में जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है फ्रैंकल, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिमोट कंट्रोल कार ले लूंगा और इनकी गाड़ी से ना घर भी चले जाऊंगा। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ, ये लड़का बहुत अच्छा था, इसने मेरी गाड़ी ठीक कर दी। चलो बैठ गया अपनी गाड़ी में, अब फटाफट से जाता हूँ अपने ऑफिस और अपनी मीटिंग को निपटाता हूँ। अगर आज ये गाड़ी सही नहीं हुई होती तो आज तो मेरी मीटिंग अधूरी ही रह जाती। देख ले बेटा, तुझे जौन सी गाड़ी चाहिए वो मैं तेरे को दे दूंगा। देखता हूँ कौन सी गाड़ी लूँ, एक सेकंड ये वाली लेता हूँ। हाँ ले ये वाली, तू चला के देख ले कैसी चलती है। चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। अरे वाह यार रिमोट कंट्रोल कार तो बड़ी प्यारी होती है, कितनी मस्त करके चल रही है रिमोट से। अरे हाँ हमारी रिमोट कंट्रोल कार की यही तो खास बात है, ये बड़ी प्यारी रिमोट कंट्रोल कार चलती है प्यारी। अरे यार जब भी मैं सोचूं सिंचन इतनी जिद क्यों करता है ये रिमोट कंट्रोल कार लेने की, इसमें तो यार बड़ा ही मजा आता है रिमोट कंट्रोल कार चलाने में। अरे हाँ रुको एक बार मेरे को दिखाओ, मैं भी चलाता हूँ। अरे जाना भाई तेरी रिमोट कंट्रोल कार है तो दूसरी चला ले, मेरे को चलाने दे, बड़ा मजा आ रहा है चलाने में। अरे बस तुम बताओ कौन सी रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, हम पैक कर देते हैं। अरे भाई मेरे को यही रिमोट कंट्रोल कार दे दे, ये कितनी प्यारी चलती है। हाँ तो इसका प्राइस है भैया 2000 रुपए। अबे यार ये तो मैंने ठोक दी कहीं टूट ना जाए। अरे इसकी मजबूती इतनी मजबूती है ना क्या बताऊं, ये कभी टूटती नहीं है, चाहे जितना तोड़ फोड़ लो। ऑफ रोडिंग कार है ये, ऑफ रोडिंग। अरे ये कार नहीं रिमोट कंट्रोल कार है। अरे जो कुछ भी बोलो 2000 रुपए की, फटाफट पैसे निकालो। अरे मैं क्यों पैसे दूंगा भाई, वो दोस्त ने बोला था कि तू पैसे नहीं दियो। अच्छा चल ठीक है तू गाड़ी ले ले, और हाँ मैं तेरी गाड़ी से घर जाऊंगा, वो जो अंकल था ना उसने बोला था कि गाड़ी लेके जाइयो। अच्छा चल ठीक है, और मेरी गाड़ी कब देके जाएगा? मैं दे जाऊंगा 2-4 दिन बाद तेरी गाड़ी दे जाऊंगा। अरे नहीं मेरी गाड़ी मेरे को आज ही चाहिए। चलो गाइस अब मैं ना फटाफट से इसकी गाड़ी अपने घर लेके जाता हूँ, और अपनी रिमोट कंट्रोल कार भी पहले इसमें ही रख लेता हूँ, कहीं मैं अपनी गाड़ी को ही छोड़ के चले जाऊँ। सिंचन तो आज बहुत ही खुश हो जाएगा जैसे वो सुनेगा ना मैंने उसके लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीद ली। तो गाइस अभी मैंने रिमोट कंट्रोल कार इस गाड़ी की डिग्गी के अंदर तो रख लिया, और मैं ना काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ यार सिंचन का रिएक्शन देखने के लिए। सिंचन जैसे स्कूल से आएगा ना मैं उसे सरप्राइज दूंगा कि ले भाई मैंने तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीद ली। सिंचन तो एकदम नाच उठेगा खुशी के मारे, बहुत मजा आएगा। फटाफट से गाड़ी चला के घर पे पहुंचता हूँ और थोड़ी बहुत सजावट वगैरह कर दूंगा जिससे कि सिंचन खुश हो जाएगा। क्या करूं केक भी मंगा लूं क्या? नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है केक लाने के। अरे यार आज ना मैं ना घर पे यार लंच में ही आ गया, मेरे स्कूल में बहुत मूड खराब हो रहा था। मैंने फ्रैंकल भैया से सुबह बोला था कि मेरे को रिमोट कंट्रोल कार चाहिए दिला दो, तो फ्रैंकल भैया ने जबरदस्ती मेरे को स्कूल भेज दिया आनी। तो यार अब मेरा मूड खराब हो रहा था, मैं तो आ गया लंच में ही घर पे, और फ्रैंकल भैया से बात नहीं करूंगा। एक दिन तेरे को कूड़े की बाल्टी में फेंकूंगा, कूड़े की बाल्टी में। अरे तू आज मेरे से ज्यादा मत बोला, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, तेरे को एक दिन फेंकूंगा जरूर। ये ले फेंक के दिखाया कूड़े की बाल्टी में, बेवकूफ कहीं का मेरा मूड खराब है और मेरे को चिढ़ा रहा है, बता रहा हूँ इसको। यार ये क्या यार, ये गाड़ी किसकी है, हमारे घर के बाहर कैसे खड़ी है ये गाड़ी? वाह यार कितनी प्यारी गाड़ी है, और यार यहाँ पे तो साइकिल भी खड़ी है फ्रैंकल भैया की। यार इसका मतलब यार फ्रैंकल भैया जॉब पे नहीं गए, फ्रैंकल भैया घर पे ही है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करने वाला, हाँ नहीं तो जबरदस्ती स्कूल भेजा था मेरे को, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और 2-3 महीने हो गए कहते रिमोट कंट्रोल कार दिला दो। ओए सिंचन भाई आ गया, आ जा सिंचन आ जा। अरे जाओ फ्रैंकल भैया तुमसे कौन बात कर रहा है, नहीं तो सिंचन रिमोट कंट्रोल कार चाहिए क्या तेरे को? अरे जाओ मुझे नहीं चाहिए। सिंचन आके तो देख ले ये रिमोट कंट्रोल कार। अरे कहाँ है फ्रैंकल भैया, कहाँ है रिमोट कंट्रोल कार, दिखाओ। देख सिंचन टेबल के पीछे देख क्या पड़ा है। अरे कहाँ है? अरे वाह यार रिमोट कंट्रोल कार टेबल के नीचे, देखो गाइस रिमोट कंट्रोल कार पड़ी है, इसका मतलब फ्रैंकल भैया ने मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीद दी। हाँ सिंचन मैंने तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार फाइनली खरीद दी। अरे वाह यार फ्रैंकल भैया रिमोट दो यार, मैं तो चलाऊंगा, रुक जाओ पहले बैग रख के आता हूँ, उसके बाद चलाऊंगा रिमोट कंट्रोल कार। लाओ फ्रैंकल भैया यार लाओ रिमोट दो यार, मैं तो चलाऊंगा यार रिमोट कंट्रोल कार, कितनी ओपी लग रहा है फ्रैंकल भैया। यार आप तो मेरे अच्छे भैया हो यार, सुबह मैंने तुमको डांटा था। अब नहीं सिंचन तूने थोड़ा मैंने डांटा था। अरे वाह यार फ्रैंकल भैया कितनी बढ़िया करके चल लिए यार, देखो यार ऊपर भी चढ़ जा। अरे यार चढ़ क्यों नहीं रही, चल गई। वाह यार फ्रैंकल भैया कितनी अच्छी गाड़ी लग रही है, वैसे कहाँ से खरीदी फ्रैंकल भैया, कितने
सुनने की मिली। अब सिंचन तुझे तो पता ही है मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सिंचन मैंने ना सुबह एक बंदे की हेल्प करी, मैंने उसकी गाड़ी सही कर दी, तो उसने सिंचन मेरे को ये रिमोट कंट्रोल कार दिलवा दी। अरे यार वाह मजा आ गया ट्विंकल बे, वो बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? सिंचन वो गाड़ी भी यार मेरे को ही मिली है, लेकिन बस एक दिन के लिए मिली है। अरे कोई बात नहीं ट्विंकल भैया, मेरे को तो रिमोट कंट्रोल कार मिल गई, बहुत मजा आ गया। और तब मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली है, तो मजे से खेलूंगा मैं। चलो यार मैंने अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करूंगा रिमोट कंट्रोल कार, और अपने दोस्त को भी तो बता दो कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल कार आई है, वो मेरे को चिढ़ाता रहता है। पता है ट्विंकल बे उसके पास रिमोट कंट्रोल कार है तो कौन चिढ़ाता है सिंचन मेरे को तो बता। अरे ट्विंकल बे वो यार लिटिल जिगम, उसके पास रिमोट कंट्रोल कार है ना तो मेरे को चिढ़ाता है, आज मैं उसे चिढ़ाऊंगा, हाँ उसे दिखा दूंगा कि मेरे पास भी रिमोट कंट्रोल कार आ गई। लेकिन सिंचन आज तो जल्दी कैसा आ गया स्कूल से? अरे बाद में बताऊंगा ट्विंकल भैया, अरे यार उठा ले कॉल उठा ले। हां सिंचन बोल यार मैं तो सो रहा हूं घर पे। अरे तू आज स्कूल क्यों नहीं आया पहले ये बता। अरे क्या बताऊं मेरी मर्जी में स्कूल ना हुआ। अरे ज्यादा हट के मत बोल, तू ना मेरे घर पे आ जा, मेरे ट्विंकल भैया ने मेरे को रिमोट कंट्रोल कार दिलाई है। अरे जाना तेरे पास कभी रिमोट कंट्रोल कार आ ही नहीं सकती। अरे मेरे घर पे आके देख ले, नहीं तो झूठ समझ रहा है, कॉल काट दी गुस्से में, अब आएगा ना जब बताऊंगा इसे। इस खिलौने ने मेरे को सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था, वो इस खिलौने ने मेरे को दिया, लेकिन अब मैं इस खिलौने से बहुत खफा हो चुका हूँ, मेरे को ये खिलौना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसने मेरे को ज़ॉम्बी बना दिया, ज़ॉम्बी अब मैं से फेंकने के लिए आया हूँ। वैसे इसने मेरी लाइफ तो चेंज कर दी थी, मैं जो मांगता था ये वो मेरे को लेके देता था पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक दिन गलती से मेरे मुँह से निकल गया कि मुझे ज़ॉम्बी बना दे, तो इसने ज़ॉम्बी बना दिया। असलत में अब इसे कहाँ फेंकूँ, एक काम करता हूँ इसके घर के आगे फेंक देता हूँ, आप हट तो टलेगी मेरे से, अब मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल स्टैचू के बच्चे अब तू यहीं पे रही हो, मेरे को ज़ॉम्बी बना दे, इससे मैं बोलता हूँ मेरे को बाप से जिंदगी दे दे, लेकिन देता नहीं है। कोई बात नहीं अब घर जाऊंगा मजे से रहूंगा, अब मैं क्या करूं, मैं तो ज़ॉम्बी बन गया ज़ॉम्बी, मुझे अपना इंसानी रूप बाप से चाहिए, लेकिन कौन लाके देगा मुझे? जाके चेक करना पड़ेगा सिंचन के घर पे आखिरकार रिमोट कंट्रोल कार आई तो आई कहां से, उसके पास तो कभी रिमोट कंट्रोल कार आनी नहीं चाहिए थी, अब तो वो यार मेरे को चिढ़ाएगा, मेरी गाड़ी कितनी घटिया है यार, मेरे पापा ने मेरे को ऐसी गाड़ी दिला रखी है। चलो कोई बात नहीं, अरे एक सेकंड ये क्या चीज है यार, ये खिलौना कैसा है, चलो इससे क्या है मतलब, लेकिन ये गाड़ी कहां से आई, लगता है ट्विंकल भैया की कोई लॉटरी लगी है, गाड़ी भी आ गई और तो और सिंचन को रिमोट कंट्रोल कार भी दिला दी, अब मैं क्या करूं यार, अब तो सिंचन मेरे को बहुत ही चिढ़ाएगा, और ये मेरी घटिया गाड़ी छी, इसमें तो पूरा जंग लगा पड़ा है, पूरा ही जंग लग गया, पापा से कितनी बार बोला चेंज कर दो लेकिन चेंज करके नहीं देते यार, अब मैं क्या करूं, ये सरी हुई गाड़ी अब तो सिंचन बहुत चिढ़ाएगा, कहां से ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी होती, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी कैसे बन गई, नहीं 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 मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, अरे यार ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी कैसे बन सकती है, एक बार चला के देखता हूँ, ये तो मेरी वही वाली गाड़ी है जिसमें जंग लगवा था, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी कार में कैसे कन्वर्ट हो गई, मैंने जैसे ही बोला वैसे लैम्बोर्गिनी कार बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है, सिंचन से पूछ के आना पड़ेगा, ये तो जादू हो गया, जादू मेरे साथ जादू हो गया, लेकिन कुछ भी कहो मजा आ गया, लैम्बोर्गिनी मिल गई, बल्ले बल्ले बल्ले, अब तो सिंचन को चिढ़ाऊंगा, सिंचन सिंचन सिंचन, अरे लिटिल सिंगम क्या हो गया यार, कैसे कूद काद के आ रहा है, ओए लिटिल सिंगम क्यों हल्ला मचा रहा है, अब सिंचन मैं क्या बताऊं, बाहर भाई मेरी जो घटिया गाड़ी थी ना वो लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट हो गई, अरे क्या बोल रहा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे ट्विंकल भैया चल के देखो भाई, मैंने बोला लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट हो जा, मेरी गाड़ी तो कन्वर्ट भी हो गई, चल सिंचन जाके देखते हैं यार कहां लैम्बोर्गिनी आ गई, अरे यार ट्विंकल भैया ये झूठ कह रहे यार, ऐसा थोड़ा होगा, ये लैम्बोर्गिनी कार के बारे में बोलकर वो सामने आ जाएगी, देखते हैं, अरे वाह यार यहां पे तो लैम्बोर्गिनी कार खड़ी है, और तो और ये तो यार डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो रखी है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, लैम्बोर्गिनी कार ऐसा कैसे आ सकती है, ये लिटिल सिंगम झूठ तो नहीं बोल रहा, अरे यार ट्विंकल भैया यार यहां पे तो सच में लैम्बोर्गिनी कार खड़ी है यार, ट्विंकल भैया जो लिटिल सिंगम ने बोला ऐसा सच में हुआ है क्या, और क्या और क्या, सिंचन रुक जा मैं भी आ रहा हूं, लेकिन ये क्या है सिंचन, ये खिलौना कहां से आया, अरे पता नहीं ट्विंकल भैया ये खिलौना कहां से आया, जब मैं स्कूल से आया जब तो ये था भी नहीं, देख लो ट्विंकल भैया बोला था ना लैम्बोर्गिनी कार आ गई, और ये मेरी वही सड़ी हुई कार है, मैंने बोला सड़ी हुई कार लैम्बोर्गिनी में बदल जाए तो बदल गई, अबे सिंचन यहां पे ये लैम्बोर्गिनी कार कहां से आ गई एक और, अरे हां ट्विंकल भैया गोल्ड की लैम्बोर्गिनी कार, अरे ट्विंकल भैया सच बोल रहा हूं मैं भाई, मैंने सोचा था यहां पे लैम्बोर्गिनी कार आ जाए तो आ गई, मैंने बस सोचा था, ऐसी बात है तो मैं भी सोचता हूं यहां पे सिंचन के लिए कार आ जाए, अरे सिंचन देखियो तेरे लिए कौन सी कार आ गई, अरे वाह ट्विंकल भैया यार ये तो गोल्ड की नैनो कार आ गई, नैनो कार, लेकिन सिंचन ऐसा हो कैसे रहा है, जो भी यहां पे हम कुछ भी सोच रहे हैं वो सामने कैसे आ जा रहा है, पता नहीं यार ट्विंकल भैया ऐसा कैसे हो रहा है, चल सिंचन छत पे जाके सोचता हूं मैं तो बहुत कुछ भाई, बहुत सारा पैसा मांग लेता हूं, अब तो जॉब पे जाना ही नहीं पड़ेगा, यहां पे गोल्ड आ जाए पैसा आ जाए, अरे यार कुछ आ क्यों नहीं रहा, यहां पे बहुत बड़ा घर बन जाए, अरे यार कुछ तो हो ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, नीचे मैंने सोचा सिंचन के लिए गाड़ी आ जाए वो तो आ गई थी, अबे लिटिल सिंगम कुछ भी नहीं आ रहा, अरे लगता है भैया जो मैं बोलूंगा वो आएगा, लेकिन मैंने अभी सिंचन के लिए गाड़ी मांगी वो तो आ गई, चलो यहां पे कुछ सोच के देखता हूं, मेरे सामने गोल्ड आ जाए बहुत सारा, अरे वाह यार ट्विंकल भैया देखो कितना सारा गोल्ड आ गया ट्विंकल भैया ओपी यार, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा सिंचन, मैंने ऊपर बहुत कुछ सोचा लेकिन वो तो आया नहीं, जैसे हम नीचे सोच रहे हैं वो सब कुछ आ जा रहा है, अरे ट्विंकल भैया मेरे को लग रहा है ये जो खिलौना पड़ा है ना इसकी वजह से ये सब हो रहा है, अरे हां ट्विंकल भैया सिंचन सही कह रहा है, मैंने भी नीचे अभी सोच के देखा था, जब तुम ऊपर आ गए थे ना मैं नीचे था, मैंने भी सोच के देखा लेकिन कुछ आया नहीं, जैसे हम इस खिलौने के सामने खड़े होकर जो कुछ सोच रहे हैं वो हमारे सामने आ जा रहा है,
चल सिंचन एक काम करता है, इस खिलौने को ना आप नीचे लेके चलते हैं अपने घर में, नीचे सोचेंगे बहुत कुछ है। हाँ, लेके चलो यार, देखते हैं हम ये खिलौना हमारी बात मानता है या नहीं मानता। वाह यार सिंचन, ये खिलौना तो मस्त मिल गया, लेकिन ये हमारे घर के बाहर रख के कौन गया? अरे हाँ फ्रिंकल बेल, जब स्कूल से आया था जब तो ये था ही नहीं, और सिंचन जब मैं घर पे आया था जब भी नहीं था यार यहाँ पे कुछ। लेकिन भैया जैसे मैं तुम्हारे घर पे आना रिमोट कंट्रोल कार देखने, वैसे मेरे को ये बाहर दिख गया। चल सिंचन अब बहुत कुछ सोचते हैं, रुक जाओ यार फ्रिंकल बेल, मैं सोचता हूँ यहाँ पर ना एक सुपर कार आ जाए। अरे वाह देख सिंचन, देख भाई सुपर कार आ गई, सुपर कार। अरे सिंचन देख कितनी प्यारी कार लग रही है। चलो चलो फ्रिंकल बेल, अपने बहुत कुछ सोच लेते हैं, जो भी हम तीनों के दिमाग में चल रहा है ना वो कुछ सोचते हैं और फिर वो हमारे सामने आ जाएगा। अरे हाँ मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं फ्रिंकल भैया, वो सब सोचते हैं और वो मेरे सामने आ जाएगा। अरे यार अब तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी सिंचन। हाँ फ्रिंकल भैया यार अब तो बहुत मजे आ जाएंगे फ्रिंकल भैया, अब तो डबल खुशी मिल गई, पहले रिमोट कंट्रोल कार की खुशी मिल गई और अब इस खिलौने की खुशी मिल गई। इस खिलौने के आगे हम जो कुछ सोच रहे हैं वो तो हमारे सामने ही आ जा रहा है। चल सिंचन अब बहुत कुछ सोचता है और वो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। फाइनली गाइस अभी मैंने, लिटिल सिंगम और सिंचन ने यहाँ पे बहुत कुछ सोचा और गाइस वो सब कुछ हमारे सामने भी आ चुका है। देखो गाइस सबसे पहले सिंचन ने बहुत सारे ट्री के बारे में सोचा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ आ चुके हैं। फ्रिंकल भैया कितने अच्छे पेड़ लग रहे हैं ना ये। हाँ सिंचन कितनी मस्त मस्त खुशबू भी छोड़ रहे हैं। और गाइस यहाँ पे मैंने पैसों के बारे में भी सोचा था, देखो गाइस बाल्टी भर भर के पैसे आ गए। अरे हाँ फ्रिंकल भैया कितनी सारी बाल्टी आ गई यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे देखो पैसों की गड्डी भर के भी आई है। और फ्रिंकल भैया चलो यार बाहर चल के देखते हैं, फ्रिंकल भैया तुमने कुछ और भी सोचा था? हाँ सिंचन मैंने यार ट्रेन के बारे में भी सोचा था, देखते हैं सिंचन बाहर ट्रेन आई होगी या नहीं आई होगी। फ्रिंकल भैया मुझे नहीं लगता यार बाहर ट्रेन आई होगी, चल के देख ही लेते हैं। अरे वाह यार यहाँ पे ट्रक देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने ट्रक के बारे में भी सोचा था, ये ट्रक तो एक नंबर लग रहा है। और सामने देखो गाइस ट्रेन भी आ गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गाइस मेरे घर के बाहर कभी ट्रेन खड़ी होगी, और देखो यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी है। अरे वाह यार फ्रिंकल भैया कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये ट्रेन, अपने फ्रिंकल भैया ट्रेन को यहाँ से कभी हटाना मत, यहीं पे रहने देना। अब मेरे गाइस समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मैं और क्या सोचूं जो मेरे सामने आ सकता है, बहुत सारा पैसा मैंने मांग लिया। अरे फ्रिंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ फ्रिंकल भैया, और कुछ सोचो यार जो हमारे सामने आ जाए कुछ। फ्रिंकल भैया अजीब सा सोचो, अजीब सा जो हमारे सामने ना आ सके कुछ ऐसा सोचो, ऐसा क्या सोच सकते हैं सिंचन? अरे चलो फ्रिंकल भैया मैं बताता हूँ ऐसा क्या सोच सकते हैं, मैं सोचता हूँ जाके। चल सिंचन आजा चलते हैं नीचे और सोचियो तू, वो मेरे ख्याल से हमारे सामने आ जाएगा। अरे फ्रिंकल भैया जरूर सामने आएगा, मेरे दिमाग में ना बहुत अच्छी चीज चल रही है, चलो चलते हैं और सोचते हैं फिर वो हमारे सामने आ जाएगा। तो गाइस जरा अभी यहाँ पे देखो सिंचन ने कितना कुछ मांग लिया, देखो देखो फ्रिंकल भैया देखा मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, देखो यार मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेन मांग लिए। हाँ सिंचन तूने तो यहाँ पे गोल्ड के प्लेन मांग लिए, और गाइस सिंचन है ना छत पे देखो कितने सारे पेड़ भी लगा दिए, ये पेड़ तो एकदम मस्त मस्त खुशबू छोड़ रहे हैं। हाँ फ्रिंकल भैया यार ऐसी खुशबू मेरे को बहुत पसंद है, पता है तुम्हें ये वाले पेड़ ना मेरे स्कूल में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने उस मशीन के आगे बोला कि ये पेड़ मेरे सामने आ जाए। सिंचन वो कोई मशीन थोड़ा है, वो तो सिंचन एक खिलौना है। अरे पर फ्रिंकल भैया मेरे अभी तक समझ नहीं आया यार उस खिलौने के आगे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे सामने कैसे आ जा रहा है, पता नहीं सिंचन ये कैसे हो रहा है, लेकिन सिंचन जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, सिंचन फ्रिंकल आपके भाई तो गाइस जल्दी से अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बेल आइकन को दबा देना, जैसे गाइस सुबह 8 बजे वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और गाइस हमारी ना सुबह डेली 8 बजे वीडियो आती है, तो इसलिए यार बेल आइकन को दबा लेना। मिलता है गाइस अपने वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।